तो गाइज अभी हम लोग आ चुके हैं उदयगिरी में, इसके बाद हम लोग जाएंगे खंडगिरी जो कि ऑपोजिट में है इधर उधर दोनों। उदयगिरी और खंडगिरी का आपको टिकट जो है वो 20 रुपीज़ करके है, यहाँ ऑनलाइन के लिए QR कोड लगा हुआ है, और नहीं तो आप जहाँ उदयगिरी है वहाँ से 200 मीटर आगे आप जा सकते हैं फॉर दी टिकट। अभी हम लोग उदयगिरी घूमेंगे, बारिश बहुत हो रही है कंटिन्यूस, मगर घूमना ज़रूरी है तो हम लोग घूम रहे हैं इसीलिए यहाँ पर। ये देखिए पूरा घूम रहे हम लोग। कैसा लग रहा है? अच्छा। तो अभी पहाड़ पे चढ़ो, पहाड़ पे चढ़ो, चढ़ो 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 चढ़ो। आप देखिए ऊपर में कितने लोग हैं चढ़े हुए, लोग ऊपर में हैं, और यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं। और मेरी वाइफ आस्ते आस्ते करके आ रही है, देखिए। ओरे बाबा रे, ये देखिए कितने सारे बंदर, देखिए। अभी हम लोग उदयगिरी के ऊंचाई पे हैं। अब इंडियन फ्लैग जो देख रहे हैं सामने भी वो है आपका खंडगिरी, वहाँ भी हम लोग जाएंगे। व्यू देखिए आप, ये फुल व्यू है, देख लीजिए गाइस आप लोग। ये जैसे कि मैंने कहा उदयगिरी, और हम लोग वहाँ पर जाएंगे उदयगिरी में या खंडगिरी में, हम लोग मस्ती कर रहे हैं। और ये व्यू देखिए कितना सुंदर व्यू है। अभी में हम लोग आपको और भी दिखाएंगे, लोग आपको ऊपर देख के चलाएंगे। अब हम आ गए हैं खंडगिरी, और ये थोड़ा ऊंचाई में है। उदयगिरी जैसे कि वहाँ से खंडगिरी दिखता है वैसे ही यहाँ खंडगिरी वैसा ही है, लेकिन ऊंचाई पे है, बहुत बहुत चलना पड़ता है इसके ऊपर में। और यहाँ पर कंपेयर टू उदयगिरी यहाँ पर बंदर आपको ज़्यादा मिलेंगे, पिजन बंदर ज़्यादा मिलेंगे, और ये ज़्यादा ऐतिहासिक भी इसमें ज़्यादा है। उसमें ज़्यादा पेंटिंग वेंटिंग सब ठीक से नहीं दिख रही है, मगर इसमें सब आपको दिख रहा है। और बारिश में वीडियो भी ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, ये आप देख पा रहे हो। देखिए ये खंडगिरी में मंदिर भी है, साथ में दर्शन कर सकते हैं आप लोग, मंदिर भी है यहाँ पर। और बंदर देखिए यहाँ पर कैसे हैं। देखिए वहाँ पर एक उस चीज मिला, वो किसी को खाने नहीं देगा। यहाँ से खंडगिरी से पूरा फुल व्यू देखिए उड़ीसा का, भुवनेश्वर का, वो उदयगिरी है। उदयगिरी ज़्यादा ऊंचा है एक्चुअली, और खंडगिरी में मंदिर भी है। ये हम मंदिर के अंदर में आए हैं। दीदी मंदिर का नाम क्या है? मंदिर का नाम सीता माता है, काली माता है, काली माता का मंदिर है। चलिए अंदर चलिए, ये देखिए, और यहाँ है काली माँ, ये काली माँ का दर्शन करने हम लोग आए हैं यहाँ पर। काली माँ आपको यहाँ मिलेगी, ऑपोजिट में दोनों हैं, हवन होता है मंदिर का। देखिए पूरा फुल मंदिर, मंदिर के सामने बंदर है, पहाड़ है, अच्छा व्यू है। हेलो गाइस, वंस अगेन, बारिश अभी थोड़ी हल्की हुई है फाइनली, तो अब हम लोग यहाँ पर दोबारा निकल रहे हैं रेडी होके, लंच करके थक गए थे पूरा हम लोग। तो अभी हम लोग निकले हैं यहाँ से, दो चीज देखेंगे हम लोग, एक है राम मंदिर और दूसरा देखेंगे हम लोग लिंगराज टेम्पल। तो ये दोनों चीज देखेंगे, लेट्स सी, वहाँ जाके मैं आपको दोबारा बताता हूँ क्या कंडीशन है। तो हम लोगों को ऑटो मिल गया है स्टेशन रोड से, जहाँ से मेरा होटल है वहाँ से हम लोग जा रहे हैं लिंगराज सबसे पहले। और लिंगराज घूमने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगेगा, तो लिंगराज में चलते हैं। यहाँ से ऑटो वाले ने लिया 150 रुपया, लिंगराज चलते पहले। तो गाइस अब हम आ चुके हैं यहाँ पर केदारगौरी मंदिर में, जहाँ से बोला कि यहाँ पर 3-4 मंदिर एक साथ है, तो हम लोग सोचे हम लोग बाद में लिंगराज जाएंगे, पहले ये घूम लें, क्योंकि नहीं तो ये यहाँ पर ऑटो मिलना मुश्किल हो जाता है।
इसीलिए पहले हम लोग यहाँ घूम लेंगे। ये देखिए पहले मंदिर हम लोग यहाँ पर घूम लेते हैं। देखिए हम लोग मंदिर में हम लोग आ चुके हैं। ये है केदार गौरी का मंदिर, देखिए केदार गौरी का मंदिर बहुत बड़ा मंदिर है। ये देखिए यहाँ पर ये मंदिर है, बहुत सुंदर सुंदर मंदिर बने हुए हैं। ये देखिए बहुत सुंदर सुंदर मंदिर बने हुए हैं। अरे इस मंदिर में चलते हैं, आइए। सिर्फ बाहर का ही हम लोग रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, अंदर का रिकॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे, माफी चाहूंगा। तो मैं अंदर आप लोगों को मोबाइल नहीं लेके जा पाऊंगा, तो मैं दर्शन कर लेता हूं, उसके बाद मैं दोबारा आप लोग से मिलता हूं। अब हम जा रहे हैं और भी आगे, एक कोई मंदिर मिला है केदार गौरी के बगल से ही, आपको लेफ्ट साइड से एक रास्ता मिलेगा, वो रास्ता आपको यहाँ पर लेके जाएगा। हम लोग जा रहे हैं ये वाले मंदिर में, इस मंदिर का नाम भी वहां पर लिखा रहेगा। ये है मुक्तेश्वर सिद्धेश्वर टेम्पल। देखिए 9th and 10th century AD का है, तो यहाँ चलते हम लोग। देखिए कितना प्यारा है जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है ये वाली, फैंटास्टिक। इसीलिए तो इसको कहा जाता है भुवनेश्वर को टेम्पल सिटी। आइए चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर छोटे छोटे आपको मंदिर मिलेंगे, ये देखिए। और बेसिकली भुवनेश्वर के मंदिर में एक चीज आपको देखने मिलेगा, वो है साउथ का टच है, बहुत साउथ का टच मिलेगा आपको इसमें। ये देखिए बारिश फिर से हो रही है। चलिए अब हम लोग अंदर चल रहे हैं मंदिर के। ये देखिए ये छोटे छोटे मंदिर ही खासियत है। ये देखिए माता रानी है आगे में आपको, देखिए यहाँ देखिए छोटे छोटे मंदिर मिल रहे हैं। सामने तालाब भी है एक, आइए आपको तालाब दे, तालाब में भी है। देखिए यहाँ तालाब में मछली है एक्चुअली, लेकिन अभी मछली दिखेगी नहीं बारिश की वजह से। ये देखिए बहुत सारी मछलियाँ हैं, ये देखिए बहुत सारी मछलियाँ हैं, बहुत सारी मछलियाँ हैं, आप देख पा रहे बहुत सारी मछलियाँ हैं। तो ये है अंदर में देखिए आखिरी है, वो मुक्तेश्वर थे, ये सिद्धेश्वर है। दर्शन करके आ जाओ। ये दो मंदिर यहाँ पर है, इसके बाद हम लोग और एक मंदिर में जाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे लिंगराज में। पार्क भी बना हुआ है आप देख पा रहे हैं, बैठते आराम से सब शांति से। 9 बजे तक यहाँ पर सारे मंदिर खुले रहते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे बाहर। तो गाइज अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर, आप देख पा रहे हैं परशुरामेश्वर, ये और एक मंदिर है। हम लोग यहाँ पर आए हैं, इस मंदिर के भी दर्शन हम लोग करेंगे। चलिए देखिए परशुरामेश्वरम हम लोग आए हैं, और यहाँ पर भी भोले बाबा का ही दर्शन है। भोले बाबा के दर्शन करते हैं अंदर जाके, मेरे ख्याल से आगे से जाना पड़ेगा। देखिए इनका जो ये स्ट्रक्चर है कि गणपति जी बने हुए हैं, मंदिर में कलाकारी बहुत ज्यादा की हुई है, जैसे कि साउथ में की रहती है। यहाँ पर ये चीज बहुत सुंदर देखने में है, ये देखिए ये पूरे पूरे मंदिर में कलाकारी है। अब हम आ गए हैं तलेश्वरा टेम्पल में, जो कि 9th century AD का है। बारिश हो रही है बहुत जोर, यहीं से देख सकते हैं हम लोग मंदिर, दिखाते हैं मंदिर में आपको, छोटा सा मंदिर है। चलिए बारिश हो रही है बहुत जोर। तो गाइस अब हम आ चुके हैं अनंता वासुदेवा टेम्पल, जो कि 13th century AD से है। तो अभी मैं ये मंदिर भी आप लोगों को मिलाऊंगा, यही मंदिर है, ये छोटा सा मंदिर ये वाला है। और यहाँ पर एक छोटा सा लेक भी है, देखिए ये पूरा लेक बना हुआ है यहाँ पर, इसी अनंत वासुदेव का ही ये वाला लेक है। तो गाइज अब हम जा रहे हैं फाइनली लिंगराज टेम्पल के अंदर में, लेकिन यहाँ पर आपको मैं बता दूँ मोबाइल अलाउड नहीं है, तो मैं आपको अंदर का कुछ भी नहीं दिखा पाऊंगा। तो मैं जहाँ तक दिखा सकता हूँ आपको मैं वहीं तक ही दिखाऊंगा। यहाँ से एंट्री है इसके इनसाइड, और देखते हैं कि आपको मैं कहाँ तक दिखा सकता हूँ। ये पूरा लिंगराज टेम्पल का इलाका है, बहुत ही बड़ा इलाका है, और आपको जैसे पता ही है ये 1000 साल पुराना मंदिर है। मैंने आपको जो इसके पहले वाला मंदिर दिखाया था वो 1400 साल पुराना है, यानी कि लिंगराज से भी पहले वो वाला मंदिर था भुवनेश्वर में। अब हम आ रहे हैं द फेमस लिंगराज टेम्पल में, और लेकिन मेरे को अब मोबाइल बंद करना पड़ेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। ये देखिए ये एंट्री कर रहा हूँ मैं, ये देखिए हम लोग को यहाँ पर ये बंद करना पड़ेगा। ये है फ्रंट लुक, उसके बाद अंदर जाने का। वेलकम बैक गाइस, तो अब हम आ चुके हैं
हमारी आखिरी डेस्टिनेशन पे आज की भुवनेश्वर की डे के टूर में, वो है राम मंदिर। तो अब हम अंदर जाएंगे और अंदर जाके दर्शन करेंगे। आपको बता दूं, ये मिडिल ऑफ द सिटी में है, स्टेशन के बगल में है, ज़्यादा दूर नहीं है। ऑटो वाला आपके स्टेशन से लेगा 100 रुपये, ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ शू स्टैंड है, शू स्टैंड में हम लोग जाएंगे अभी, और अभी हम लोग अंदर जाएंगे सीधा इसके बाद शू देके। तो देखिए गाइस, हम लोग आ चुके हैं अंदर में राम मंदिर के। ये देखिए कितना प्यारा मंदिर बनाया है। मंदिर दर्शन कराता हूँ मैं आपको। ये देखिए, यहाँ पर माँ दुर्गा है, लक्ष्मी माँ है, लक्ष्मी माँ, शीतला माँ है, सीता मैया है, सरस्वती मैया है, जगराज शेरावली दा बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। गन नो मामा जी आ गए हैं हमारे। इधर में देखिए माँ दुर्गा की मंदिर है, इधर में भी, यहाँ खेतरी बीजी हुई है। भोले बाबा, राम मंदिर में हम लोग कर रहे हैं एंट्री, आ चुके हैं राम मंदिर में। राम, लक्ष्मण, सीता और पवन पुत्र हनुमान जी। गाइस, ये भुवनेश्वर का रोड है, इतना प्यारा, इतना क्लीन सिटी है, और इवनिंग को ये इतना ही सुंदर दिखता है जितना आप चंडीगढ़ हरियाणा को बोल सकते हो। इतना ही साफ सुथरा, इतना ही पॉलिश, आपको ऐसे कोई चीज नहीं है जो यहाँ पर नहीं मिलेगी। मेरा ये वन डे का टूर था भुवनेश्वर का, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लगा। कल सुबह अब हम लोग निकलेंगे दूसरे ट्रिप के लिए। तो आशा करता हूँ मैं आपको जितना भी भुवनेश्वर घुमा पाया आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कर दीजिएगा मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह का अच्छा अच्छा ब्लॉग और अच्छी अच्छी न्यूज़ आपके पास मैं ला सकूँ। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।